हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर हार जाने के बाद कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में करो या मरो की स्थिति है। इसमें करनाल सीट को सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, जिस पर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दलितों की बस्ती सदर बाजार के अंबेडकर चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में चयनित स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए आया हुआ पैसा सरकार की कमी के कारण लैप्स हो गया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की योजना मूल रूप से कांग्रेस की थी, भाजपा ने तो केवल नाम ही दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मतदाताओं का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। 5 साल पहले भाजपा ने प्रदेश के लोगों से 157 वादे घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे, वह आज तक पूरे नहीं हुए हैं। एक बार फिर लोगों से अपने संकल्प पत्र के माध्यम से 250 वादे किए हैं। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र लोगों को सौंप दिया है, मोबाइल पर भी लोग इसे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का झूठ लोगों के सामने खुल चुका है। मुख्यमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ विश्वासघात किया है। करनाल को मुख्यमंत्री ने क्या दिया है? ऐसा मेडिकल कॉलेज जो केवल रेफर सेंटर ही बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के राज में आय और विदेशी निवेश में नंबर 1 था। आज प्रदेश भाजपा राज में बेरोजगारी और अपराध के साथ भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन गया है। इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह ने कहा कि वह करनाल के प्रति समर्पित है। एक तरफ लोगों के सामने आम लोगों को धक्के मारने वाला मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ उन जैसा समर्पित लोगों के सुख दुख का साथी है। मतदाताओं को चयन करना है। इस अवसर पर शहरी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक खुराना, जयपाल मान, पंकज पुनिया, जोगिंदर चौहान सहित हजारों लोग मौजूद रहे। नौकरियों में जाएगा कि युवाओं को ज्यादा संख्या में किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। लेकिन अफसोस 5 साल से पहले जो सीएम सिटी थी वो क्रैम सिटी बनकर रह गई। हमें बड़ी शर्म आती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं वो कहते हैं कहाँ से आए हो, हम कहते हैं सीएम सिटी से। कर सीएम सिटी से नहीं, आप क्राइम सिटी से आए हो। मैंने हम लोग चोरी डकैती लगातार जैसे मुकदमे आम हो चुके हैं। यहाँ का प्रशासन बेलगाम हो चुका है, यहाँ पे गरीब व्यक्तियों की सुनवाई नहीं है। ये सीएम सिटी ग्लोबल 5 साल पहले चुना था, बिल का जो विधायक होगा हर आदमी के दुख और सुख में शामिल होगा। लेकिन उस वर्ष आज तक 5 साल के अंदर वो 25 या 26 बार चुनाव में आए, एक घंटा सुपर चुनाव में नहीं रहे। इन्होंने जब सीएम बन गए, सीएम का फर्ज बनता है अपने हल्के सरकार से चुन के आया है वहां पर खुले दरबार लगाए, लोगों की समस्या सुने। लेकिन इन्होंने खुले दरबार नहीं लगाए, लोगों की समस्या नहीं सुनी। आज ये कहते हैं कि मैं एक लाख वोटों से जीत के जाऊंगा, पर चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ये चुनाव के लोगों का सरासर अपमान है कि बिना वोट मांगे में हम वोट क्यों दे। जब अपना वोट मांगना नहीं चाहता हम उसको वोट क्यों देना चाहते हैं? क्या किया है हमारे परिवार के लिए? मेरे को बता दे और अभी दस पुरा कहा है, मेरे को बता दे दादो पंडित कहा है, मेरे को बता दे वसंत प्रयाग कहा है, मेरे को बता दे रजीव पुर कहा है, मेरे को बता दे माधवपुर की संख्या कहा है, मेरे को बता दे दयानंद पुरानी कहा है, मुस्लिम राजनीति से होगा। उनको किसी को बैठक में लाया गया है, इन्होंने भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की। 70 साल पहले शहीद आलम भगत सिंह ने जो नारा लगाया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, आज वो नारा खंडित हो चुका, नारा टूट चुका है। कोने कोने में हिंदुस्तान के हरियाणा के अंदर हर कोने में इन्होंने भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की है। मैं करनाल के लोगों पे नाज करता हूँ जिन्होंने 36 बरादरी पे कोई अच्छा नहीं लगा दी। आज भी हमारा भाईचारा कायम है, हमारा भाईचारा नहीं टूट सकता चाहे राम को शिक्षण भाजपा वाले नजारों के बीच पर नारे लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने बहन शारदा जी ने थोड़ी अभी भुला दी है। मेरे पे विश्वास बढ़ा है, ये कहते थे कि एक छोटी सी चींटी है ये, अरे जब चींटी है तो समझिए
कोई अपनी पार्टी के किसी गतिविधियों में काम किया हो, कोई धरना
अपने जो लोगों से कोई राजनीतिक बातें कभी नाम सुना, हमने तो सुना नहीं। केंद्र में यूपीए की सरकार थी और राज्य में थी कांग्रेस, और सबने सोचा कि 10 साल देख लिया है सरकार कांग्रेस का, अगर हम कोई नई बात देखी। अब नई बात क्या थी कि 150 झूठ बोले गए। इन्होंने अपना घोषणा पत्र 5 साल पहले लागू किया, उसमें 154 झूठ बोले। झूठ इसलिए कह रहे हैं कि उस समय का घोषणा पत्र झूठ साबित हुआ। एक भी घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की है, एक भी पूरी की हो। पूरा हथियाना देख रहा है और करनाल देख रहा है, कोई काम पूरा नहीं किया, बल्कि जो पहले के काम थे उनको भी पूरा नहीं किया। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, आज के दिन क्या कारण है कि सीएम सिटी में मेडिकल कॉलेज में दो दो तीन तीन दिन की लाइन लगती है हॉस्पिटल में, से इनका क्या लेना देना, हमारे गरीब लोगों से क्या लेना देना। मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि हाल ही में दिल्ली में संत गुरु रविदास जी का एक पुराना मंदिर था, प्राचीन मंदिर, जहां पर संत गुरु रविदास जी स्वयं आए थे और सुल्तान लोधी ने उनके प्रवचन सुने थे वहां जाकर, और तब से वो एक मंदिर था वहां। लेकिन ये भारतीय जो सदियों से मंदिर रहा, जहां पर संत महात्माओं की समाधियां करती, केस गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच होती गरीब आदमी के प्रति, संवेदनशीलता होती गरीब आदमी के दलित लोगों के प्रति, तो ये इस बात को देखते कि वो मंदिर बचे, अगर इनको प्लान भी बदलनी पड़ती तो इनको प्लान बदलनी चाहिए थी। ये नहीं हो सकता कि गरीब आदमी का मंदिर को आप मंदिर ना मानो, केवल बड़े बड़े भव्य मंदिरों की बात करो। आस्था सबकी एक होती है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जितना आदर बड़े मंदिरों का होता है उतना ही हमारे छोटे दलित पिछड़े सभी वर्गों का होना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारे गिरजाघर सबका एक समान आदर मान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हमेशा भाई को भाई से अलग किया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इन्होंने हमेशा भेदभाव रखा है, तो ये अब ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग भी इनका ध्यान रखें। हम पढ़ाकर 5100 रुपया करेंगे और पुरुषों की उम्र 58 और महिलाओं की 55 से हम पेंशन शुरू करेंगे। बिजली की बात कहना चाहूंगी, 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे सर, और उसके ऊपर के जो बिल है जो ज्यादा पड़े हैं उनको भाई हम आधा कर देंगे, आधा बिल देना पड़ेगा 300 रुपये से ज्यादा कर देंगे। तो साथियों बहुत आते हैं सब दिन आ जाते हुए, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आने वाले 21 तारीख को त्रिलोचन सिंह जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर हम तुलना करें त्रिलोचन सिंह जी की और जो आपके आज के नुमाइंदे हैं जो मुख्यमंत्री के, भाई आपके बीच में पैदा हुए, आपके बीच में रहे पढ़े लिखे, यहीं पे रह रहे हैं, यही परिवार, यही बैठना उठना, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, और हमारे कांग्रेस पार्टी के स्तंभ सब इनको इनकी सेवा को जानते हैं। सालों से ये कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही होकर करनाल की सेवा कर रहे हैं। तो साथियों एक इतने बढ़िया शरीफ इंसान का आपके बीच में उदाहरण, मुख्यमंत्री जी तो हवा में ही उड़ते रहते हैं, जमीन उनको नहीं दिख रही, और ये जमीन के इंसान, आप लोगों के बीच के इंसान है। मेरी आप सबसे गुजारिश कि आने वाले 21 तारीख को आपने इन सब बातों की तुलना करनी, और साथियों जो हमने घोषणा पत्र आपके सामने रखा है
सारी बातें मैं यहाँ नहीं कर पा रही, लेकिन हम ये समझते हैं, कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि हर एक नागरिक को अधिकार है कि उसको मालूम हो, उसके पास जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उसके लिए क्या करने जा रही है। हवा बदल चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम अपने सारे वायदे पूरे करेंगे। और आपको पता हो कि कांग्रेस क्या वायदा कर रही है, 55 333 0 11, दोबारा बोलती हूँ, 93 55 333 0 11। इस पर आप अगर डायल करेंगे कोई भी तो आपको हमारा सारा घोषणा पत्र पता चल जाएगा, एक एक चीज के बारे में आप जानकारी दे देंगे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद आपके लिए क्या कुछ करने जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।